पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया है। आज यानी 27 जून को लगातार 21वें दिन ईंधन के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल 21 पैसे महंगा हुआ तो वही पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए महंगा हो चुका है। वही डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 80.40 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में वाहन के ईंधन का दाम अलग अलग होता है। हालांकि सिर्फ दिल्ली में ही डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक है। राज्य सरकार ने पिछले महीने इस पर बिक्री कर या वैट में बड़ी वृद्धि की थी। सामान्य तौर पर कम टैक्स की वजह से डीजल का दाम पेट्रोल से 18 से 20 रुपए प्रति लीटर कम रहता है, लेकिन हाल ही के वर्षों में डीजल पर कर बढ़ने की वजह से ये अंतर कम होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 5 मई को डीजल पर वैट की दर 16.75 से बढ़ाकर 30% कर दी थी। इसी तरह पेट्रोल पर कर की दर को 27 से बढ़ाकर 30% कर दिया गया था। चूंकि ये शुल्क मूल्यानुसार लगते हैं, ऐसे में प्रत्येक बार पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि से इसका वास्तविक प्रभाव बढ़ता जाता है। आपको बता दें कि 7 जून से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने गुरुवार तक लगातार 20 दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसी तरह पेट्रोल के दाम लगातार 19 दिन बढ़ाए गए। इससे पहले 82 दिनों तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 20 दिन में डीजल की कीमतों में 10.80 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 19 दिन में पेट्रोल 8.42 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें कि रोजाना 6 बजे तक तय हो जाती है ईंधन की कीमतें। आप अपने शहर के पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल यानी IOC के उपभोक्ता RSP डीलर का कोड लिखकर 9224992249 पर SMS भेज सकते हैं। वही HPCL के उपभोक्ता HPP प्राइस डीलर कोड लिखकर 9222201122 पर SMS भेज सकते हैं। वही BPCL के उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिखकर 9223112222 पर SMS भेज सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।